डी यर स्टूडेंट्स ना वी आर डिस्क हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन विद रेफरेंस टू जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री क्या होती है इंडस्ट्री इज़ आ लाइन ऑफ प्रोडक्शन जिसमें इनपुट से लेके आउटपुट तक और फिर सेलिंग तक सारे प्रोसेस शामिल होते हैं उसे इंडस्ट्री कहते हैं जैसे सीमट इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री ये सारी इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल्स फॉर एग्ज़ाम्पल काटन इंडस्ट्री की अगर बात करें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो काटन से ले कर आउटपुट बनने तक निटिंग डाइंग स्टिचिंग फिनिशिंग पैकेजिंग ये सारे इसके यूनिट्स होते हैं जो मिल किसी इंडस्ट्री को फार्मूलेट करते हैं इंडस्ट्री की आसान सी डेफिनेशन है आ लाइन ऑफ प्रोडक्शन और दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसी फर्म्स जो कि आइडेंटिकल एक तरह की प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो मिलके एक इंडस्ट्री को क्रिएट करती हैं जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री

जो जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज को डील कर रहा है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम आपसे शेयर कर रहे हैं लेकिन इन सब का जो बुनियादी मकसद है वो ये है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं इन सब की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लाइंस की जाए फॉर एग्जाम्पल सब पार्ट सी जनरल सेफ्टी एंड हेल्थ अगर नीचे देखा जाए तो इसमें किन चीज़ों को हम डील करते हैं मेनटेन द रेक ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस थर्टी ईयर्स गिव इम्प्लाईज एक्सेस टू देर इंडिविजुअल पर्सनल रेकर्ड अगर इम्प्लाई का कोई डेटा मेंटेन किया गया है तो उसका एक्सेस एम्प्लाई को दिया जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है इसके तहत आप इंफॉर्मेशन किसी बंदे की ले सकते हैं लेकिन लेजिटिमेट वे में कि आप अप्लाई करें डिसेंट वे में जो उसका कस्टोडियन है वो उसकी वो इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल नेचर की नहीं है वो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेगा सब पार्ट डी वॉकिंग वर्किंग सरफेस सब पार्ट डी स्टैंडर्ड्स फॉर डीटेंट दी सर्फेस अगर इनको डी को देखा जाए तो उसके आगे फॉलोइंग नंबर वन नाइनटीन टेन पॉइंट टू वन डी अब यहाँ जो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन है डेफिनेशन किस चीज़ की कि वो स्टैंडर्ड जो यूज हो रहे हैं उनके डेफिनेशन हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं गार्डियंस फ्लोर एंड वाल ओपनिंग्स एंड होल्स गार्डिंग अब यहाँ पे जो तीन पॉइंट्स हैं ये तीनों डिफरेंट हैं डेफिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजीज है जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस है इसके अलावा गार्डन फ्लोर गार्डन फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग्स एंड होल्स के वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जिन चीज़ों की स्पेसिफिक मेजरमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक केमिकल का यूज जिस तरह से डिजाइन किया है उसको वैसे ही आपने एग्जीक्यूट करना है फिक्सड इंडस्ट्रियल स्टेयर्स पोर्टेबल वुड लैडर्स ये दो पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर वहाँ पे स्टेयर है जो सी होती है अगर वो फिक्स्ड है तो उसकी मेजरमेंट कितनी होगी हाइट कितनी होगी एक स्टेयर जो है उस स्टेयर के अंदर जो आगे फर्दर पाँव रखने वाली जगह है उसकी मेजरमेंट कितनी होगी ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं अगर पोर्टेबल वुड लैडर है पोर्टेबल मीन जिसको उठा के कहीं दूसरी जगह पर ले जाया जा सके इसको पोर्टेबल वुड लैडर कहते हैं वो कहाँ पर यूज़ होगी उसके स्टेयर के जो स्टेप्स हैं वो कितने होंगे ये सारी चीज़ें डिफाइंड पहले से होंगी फिक्स्ड लैडर्स क्या होगी पोर्टेबल मेटल लैडर क्या होगी सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर स्का फोल्डिंग क्या होगी मैनुअली प्रॉबेबल मोबाइल लैडर्स स्टैंडर्ड्स एंड अब ये जो पाँच छः पॉइंट्स हैं ये तमाम सीढ़ियों के मुतलक हैं फिक्स क्या होगी मूवेबल क्या होगी स्टील की क्या होगी वुडन क्या होगी टू बी ऑनस्ट अगर इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन एक्यूरेट वे में फॉलो कर लें काफी तो हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैजर्ड्स से बचा जा सकता है सब पार्ट्स ई मीन्स ऑफ एग्रेस सब पार्ट ई इसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं डेफिनेशन जनरल रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस ऑफ द सेफ गार्ड्स एंड ऑपरेशनल फीचर फॉर एग्जिट रूट्स एमरजेंसी एक्शन प्लान फायर प्रोटक्शन प्लान अब ये जो मीन्स ऑफ एग्रेस है सब पार्ट्स ई है ये प्योर डील ही इसको कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी एनी अलार्मिंग सिचुएशन एनी एक्सीडेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन का एवेक्शन प्लान कैसे मरतब करना है एम्प्लॉ को वहाँ से निकालना कैसे है फायर के प्रोटेक्टिव जो मेकानिज़म है वो हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है इसको ये बेसिकली ई प्लान हमारा डील कर रहा है सब पार्ट एफ पावर्ड प्लेटफॉर्म्स इसके अगर पॉइंट्स लिए स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम इसमें नाइनटीन टैन पॉइंट सिक्स सिक्स को देखते हैं पावर्ड प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस बिल्डिंग मेंटेनेंस अगर बिल्डिंग की प्रॉपर इंस्पेक्शन हो मेंटेनेंस हो तो किसी किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सकता है चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंट अक्कल ही नहीं होगा क्योंकि उसके प्रॉपर मैकेनिज्म पहले से डेवलप होगा वहीकल माउंटेड एवेल्यूटिंग एंड रोटेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म मैन लिफ्ट ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती हैं लेकिन उनकी बाकायदगी से इंस्पेक्शन नहीं होती रूटीन चेकिंग नहीं होती उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाता अगर इन चीज़ों पे अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सकता है सब पार्ट जी वेंटिलेशन आकोपेशनल नाइस एक्सपोजर आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइिंग रेडिएशन इफेक्टिव डेट्स ये जो पांचों पॉइंट हैं इन पांचों का ये मकसद है कि आर्गनाइजेशन के अंदर जो नाइस पैदा होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है, है आर्गनाइजेशन के अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम है वेंटिलेशन सिस्टम डी स्टूडेंट्स कहते हैं हवा के निज़ाम को प्रॉपर हवा आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग्स के अंदर और वहाँ से रोशनी बाहर जा रही है इसको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम कहते हैं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं नाइनटीन से लेके नाइनटीन तक एट तक ये दोनों इसी चीज को डील कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम और आर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एप्लीकेशन है या नहीं है कंप्रेस गैसेस ये गैसेस का जिक्र भी स्टूडेंट्स किया गया है ये सब पार्ट एच इसको डील करता है हज़ारडियस मटीरियल ये वो मटीरियल है जो आर्गनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम का बायस बनता है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है यूज़ करना है कैसे इसको डिस्चार्ज करना है कैसे इसको वेस्ट करना है कैसे डंप करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्री डिसाइडेड होती हैं हज़ारडियस मटीरियल सब पार्ट एच सप्रे फिनीशिंग यूजिंग फ्लेम एंड कंप्यूटेबल मटीरियल डिप टैंक्स कंटेनिंग फ्लेमेबल एंड कम्बेबल मटीरियल एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग एजेंट्स वो चीज़ें जो किसी किस्म के धमाके का बायस बन सकती हैं या वो केमिकल जो किसी आग का बायस बन सकते हैं उनको कैसे यूज करना है कैसे डंप करना है कैसे वेस्ट को आगे यूज करना है ये सारी चीज़ें सब पार्ट ए चीज को डील करता है सब पार्ट्स वन पर्सनल प्रोटेक्ट इक्वमेंट जनरल रिक्वायरमेंट आइज एंड फेस प्रोटेक्शन रेस्परेटरी प्रोटेक्शन ऑक्यूपेशनल हेड प्रोटेक्शन फूड प्रोटेक्शन डिवाइसिस हैंड प्रोटेक्शन अगर हम हैड की बात करें नोज़ की बात करें आइज़ की बात करें हैंड की बात करें इन सब की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है आर्गेनाइजेशन के अंदर इनकी प्रोटेक्शन के बगैर एक एम्प्लाई अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकता उसको वहाँ पर अफ्रेड रहेगा डर रहेगा फ़र्ज करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अगर मेरे सर के ऊपर कैप नहीं है या हेलमेट नहीं है अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो इट में इंजर्ड माई हेड उससे बचने के लिए प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पहनना लाजम है सब पार्ट जे जनरल एनवायरमेंट कंट्रोल सब पार्ट के मेडिकल एंड फर्स्ट एड सब पार्ट एल फॉर प्रोटेक्शन सब पार्ट एम कंप्रेस्ड गैस एयर सब पार्ट एन मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ये जितने भी सब पार्ट्स हैं अगर आप गौर से डी स्टूडेंट इस स्लाइड को देखें तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं इनके आगे इनकी छोटी सी डिटेल भी हमने बना के आपके लिए लिखी है कि अगर आप ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स को मैन्यूटली मुत करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं अब जो लास्ट में इसके सब पार्ट्स हैं वो सब पार्ट्स ओ है पी है क्यू है आर है एस है टी है जी है इन सब के आगे हमने लिखा हुआ है कि ये सब पार्ट किस किस को डील कर रहे हैं इनमें से दो तीन मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि सब पार्ट्स ओ है ये मशीनरी एंड मशीन गार्डिंग को डील करता है पी हैंड टूल्स पोर्टेबल पावर टूल केल्डिंग कटिंग एंड ब्रेजिंग को डील करता है इसी तरह जो लास्ट सब पार्ट है इसका जिसको हम सब पार्ट जी कहते हैं ये टॉक्सिक एंड हजार सबस्टांस को डील करता है कि, कि किस तरह इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करके डंप करना है और कैसे इनके वेस्टेज को आगे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए यूज़ करना है और कैसे इनका बेहतरीन यूज़ करके आर्गनाइजेशन के एस के मुताबिक इसको, इसको इस्तेमाल करना है